कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लेने अपने दो दिनों के दौरे पर हिमाचल पहुंची। बता दें कि 9 जुलाई को ब्यास नदी में आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से बात कर उनका हालचाल लिया। इसके बाद कीरतपुर मनाली फोर लेन को हुए नुकसान का निरीक्षण भी किया और यह भी कहा कि फोर लेन की हालत के लिए वे पीएम को पत्र लिखेंगे। साथ ही हिमाचल सरकार के कामों की भी तारीफ की। इस दौरान पीड़ितों को देख प्रियंका गांधी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बहुत दर्दनाक स्थिति है और बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। एक्चुअली जितना वीडियोस में दिखता है और सोशल मीडिया और खबरों पे दिखता है उससे ज्यादा ही लग रहा है और लोग काफी दुखी हैं। केंद्र सरकार से भी आप मदद की मांग कर रही है आपको? जी, हम बार बार चाह रहे हैं कि और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर इस जो यहाँ पे हुआ है इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे तो बहुत इनको सुविधा हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से जो जो हो सकता है वो कर रहे हैं। आप सबको मालूम है, आपने देखा है कि सुक्कू जी खुद 24 घंटे इसके लिए आपदा के समय भी एक्टिव रहे और सबने इकट्ठा मतलब मदद करने की कोशिश की। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो केंद्र सरकार की मदद से ही हो सकती हैं और हमें पूरी आशा है, उम्मीद है कि वो करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की आपदा का कोई राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता है या कुछ ऐसा है। मुझे लगता है कि जब देश में एक प्रदेश में इतना बड़ा संकट आया है तो पूरे देश को एकजुट होकर मदद करनी चाहिए और उम्मीद है कि केंद्र सरकार